गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कुर्की गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर पर कार्रवाई हुई है। मोहम्मदाबाद बाजार में मंसूर अंसारी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 18 दुकानों को कुर्क किया गया है। कुर्की के समय कई थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कोर्ट ने दिया था आदेश। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई की गई। देखिए किस तरीके से पहले मुनादी कराई गई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है जिस पर आज ये बड़ी कार्रवाई की है, कुर्की की कार्रवाई की गई है और 18 दुकानों को आज कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। मोहम्मदाबाद बाजार में मंसूर अंसारी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और उसके अंदर 18 दुकानों को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर की बेनामी भवन संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 132/18 जे थाना मोहम्मदाबाद कुर्की आवलिक 2023 दिनांक। अखबार रायबरेली से है। यहाँ युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर खेत से मिला प्रेम विश्वकर्मा नाम के युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि युवक की गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुट चुकी है। डे थाना क्षेत्र के परसदेपुर चौकी के बरावा गाँव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, गाँव के बाहर खेत से एक युवक का शव मिला है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक की गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, रायबरेली का पूरा मामला है। खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डी थाना क्षेत्र के बरावा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कल शाम 7 बजे से लापता था। इसके परिवार वालों तथा पुलिस की मदद से कल रात 2 बजे तक इसको ढूंढा गया। नहीं मिलने पर वापस सुबह इसकी खोजबीन शुरू हुई तो जानकारी में आया कि ये लड़के की बॉडी, डेड बॉडी उसके घर के कुछ दूरी पे प्राप्त हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला करके जांच पड़ताल की जा रही है और लड़के का शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। इधर पीलीभीत में वन विभाग ने एक बाघिन को पकड़ा है। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में बाघिन पहुंच गई थी और पीलीभीत के शहपुरा में बाघिन को बेहोश करके पकड़ा गया है। बाघिन को टाइगर रिजर्व रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है पीलीभीत से, जहां एक बाघिन को वन विभाग की टीम की तरफ से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई थी बाघिन, जिसके बाद वन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचा और बेहोश करके पीलीभीत के शहपुर में इस बाघिन को पकड़ा गया है। हालांकि टाइगर रिजर्व अब इस बाघिन को भेज दिया गया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए कैसे पहले बाघिन को बेहोश किया गया और उसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। पीलीभीत का पूरा मामला, टाइगर रिजर्व रेस्क्यू सेंटर अब इस बाघिन को भेजा गया है। काफी देर तक मौके पर हड़कंप भी मचा रहा, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद ट्रैकलाइज किया गया और उसके बाद रेस्क्यू सेंटर अब बाघिन को भेजा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।